deserving personality and put a lot of hard work. बहुत सारा hard work है इसके पीछे. Seriously, मैंने देखा है इस 90 days में. जो भी इंसान है यू नो इट बेटर, बेसिकली आपको सबको पता है. बट देन इट टेक्स कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली. रात के 8:30 बजे तक काम करना, फिर सुबह 9:30 बजे को आना, फिर 8:30 बजे तक काम करना, फिर 9:30 बजे. तुम सब कर रहे हैं अग्री, हमें इसलिए पता कि तुम पहले सब गिरा दो. चंद चीज़ों की वजह हार गए लोगे, बट इसके लिए टफ है, ऊपर पहुँचने के लिए टफ है, हार्ड है. तो याद रखो कि जब भी आपको टफ बनना है, हार्ड बनना है, आप देखो जो भी यहाँ पे अवार्ड ले रहे हो क्या बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि हम किधर कम गिर गए, ये बोल रहे कि सर ये महीना थोड़ा कम गया. एंड बिलीव मी, पर ये लीडरशिप के जो गेम में था, इट्स अ बिग बिग टफ फाइट बिटवीन एवरीबॉडी. हर कंपटीशन में देखता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है दिल से. फिर ये भी आप लोग एंग्रॉस हो जाते हो, पूरा घुस जाते हो, ये नहीं देखते हो टाइम डेट, बंदा है नहीं है, अप्रूवल डिसबर्समेंट सभी को बाजू में रख के वो कॉम्पिटिशन की तरफ जो तुम्हारा गोल और एनर्जी रहता है वो जान लगा डालते हो वहाँ पे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. बट येस, ये नंबर वन पहुँचने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा एनर्जी लगा रहेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जीतने के लिए बहुत एनर्जी, बहुत सारा क्वालिटीज, बहुत सारा लाइफ लगता है इसमें. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो जब वो कुछ बोल रहे हैं. मैंने हमेशा तुम लोग को यही सिखाया कि अगर कोई जीत रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी खुशी में इंजॉय करो. आप अगर उसके खुशी नहीं रहोगे, उसके जो क्वालिटी, जो सक्सेस का क्वालिटी है वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओ. सो अट्रैक्ट हिम, फील गुड अबाउट इट, क्योंकि अभी हो गया है. अभी जो कॉम्पिटिशन आएगा वो आज से होगा, ये महीने से होगा, इसको होगा. तो आपने भी अच्छा किया होगा, चंद माइल से हार गए रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट यर द पॉइंट इज कि वो आदमी जीता है, बी हैप्पी फॉर हिम, गुड, यार ग्रेट शो, एंड देन अट्रैक्ट एंड सी व्हाट यू कैन डू द बेस्ट. ओके.